नमस्कार दोस्तों, मोज नेविल है, आपका फिर से स्वागत है। तो कई लोग कमेंट करते हैं कि तारबुक को कैसे मिलेगा, क्या यूज़ होता है तारबुक का। तो आज की वीडियो में तारबुक के ऊपर दोबारा बात करता हूँ। देखो, तारबुक ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक होता है जो कि वॉच कीपिंग के लिए बहुत यूज़फुल है। जब भी आप जाओगे, शिप पे जाओगे, तो तारबुक लेके जाना, उसके बाद ही आपकी वॉच कीपिंग निकलेगी। तारबुक पूरा फिल करके ले जाना, और RPSL जो आपका लेटर होगा कंपनी के थ्रू, आपका जो भी बाकी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अटैच करके वो सबमिट करना रहता है, तब आपका वॉच कीपिंग निकलता है 10-15-20 दिन में, जो भी आपका टाइम लगेगा। तो तारबुक ऑनलाइन अब अप्लाई होती है। पहले पहले था कि आप जाके ले सकते थे, लेकिन अब अभी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तारबुक, चाहे आप डेक का ले लो या इंजन का ले लो। और रेट वही है, 250 या 300 रुपये शायद रेट है ये तारबुक का। तो आप अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, आप तो घर भी मंगा सकते हो तारबुक। और उसमें यही सब डिटेल रहता है, आपका ऑफिशियल स्टैम्प रहता है, और RPSL कंपनियों का वहाँ पे आपका नंबर रहता है या नेम ऑफ RPSL कंपनियाँ रहता है, वो सब लिखना रहता है। जब आप तारबुक लोगे, जब आप लेके जाओगे, तो उसमें सारा डिटेल भरना रहता है आपका। उसमें पहले आपका नाम पहले लिखा होगा, आपका इंडोर्स नंबर लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, CDC नंबर होगा, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और उसमें आपका स्टैम्प होता है जो शिप में मास्टर स्टैम्प देगा उस पर, और आपका जब लेके आओगे RPSL नंबर जो आपकी किस कंपनी के थ्रू गए उसका नंबर, RPSL कंपनी का नेम, ये सब चीज़ें होती हैं। और उसमें यही सब चीज़ें रहती हैं, सी रिकॉर्ड ऑफ सी सर्विसेज, ये सारे रहती हैं, IMEI नंबर, GRT, साइन ऑन डेट, साइन ऑफ डेट, कितने मंथ आपने सी पे काम किया है, ये सब चीज़ें बाकायदा बाकायदा लिखी रहती हैं उसमें। आप जब आप भरवाओगे तो आप लेके जाना, जो भी बंदा है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन मिल जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यार, एक दिन में आपको मिल जाएगा तारबुक अगर आप जा रहे हो लेने कहीं पे भी, तो एक दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये लेके जाना, जो भी अगर फर्स्ट टाइम जा रहा है शिप पे जाना है, तो वॉच कीपिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ये तारबुक। और नहीं नहीं है तब भी आप कंपनी में भी आके अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप तारबुक ले जाना भूल गए शिप पे। और कई लोगों को लगता है कि हाँ हमारी वॉच कीपिंग निकलेगी कि नहीं, निकल जाएगी। ऐसा आप कंपनी में आओगे, कंपनी में आपको वहीं वहाँ पे भर सकते हो आप लोग, भर के वहाँ पे कंपनी वाला जो भी आपको स्टैम्प देगा, वहाँ पे सब कुछ मास्टर का स्टैम्प होगा जो भी है, तो सारा कुछ भर के वहाँ पे आप ले जाके जमा कर सकते हो, आपका वॉच कीपिंग निकल जाएगा। कोई इशू नहीं आता है कि आप शिप पे नहीं भूल के ले जाना तो आप वॉच कीपिंग वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपके जेन्युइन RPSL कंपनी के थ्रू गए तो आपका वॉच कीपिंग निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। तो कई लोग पूछ रहे थे तो छोटा सा बताया मैंने, तो जो भी होगा कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।